हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। हे गाइस, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। देखो, एक्चुअली होता है क्या चाहिए कि नीट के बारे में, मतलब ऐसा हो गया है, पहले 2014 और 2013 12 15 तक ऐसा नहीं था, 2014 से 13 के लगभग ऐसा नहीं था। उस समय का कट ऑफ मालूम है कितना जाता था? जनरल कट ऑफ 453, सही बता रहा हूँ आप लोग जो भी लगे, जनरल कट ऑफ था 453, आराम से कॉलेज मिल जाता था, जिसका 500 मार्क्स आ गया बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता था, ठीक है, यही था ठीक ना कट ऑफ 2013 और 14 तक। अभी थोड़ा 2017 से सारा कहानी बिगड़ गया, ठीक है, 2017 से कट ऑफ हाई हो गया, मतलब हाई स्टार्ट हो गया, क्योंकि पेपर का लेवल बिगड़ गया। पहले पेपर थोड़ा अच्छा खासा पेपर आता था, अभी पेपर थोड़ा सा बायोलॉजी सेक्शन भी ये कर दिए हैं। चलिए, खैर वो बात की बात है। तो हम लोग यह चीज़ सोचते हैं कि इतना कट ऑफ हो गया 550, ठीक है, हो गया है यही कट ऑफ, मतलब ये सेफ रेंज है। ऐसा नहीं कि 550 कम आराम से मिलता है, 520 पे भी मिलता है, 510 पे भी मिलता है, जिसका जैसा कॉलेज का हिसाब है उस तरीका से कॉलेज मिलता है, पर 550 सेफ है। तो इसमें हम लोग क्या सोचते हैं कि यार 720 का एग्ज़ाम है, कम से कम 150 क्वेश्चन लगा के आने हैं सही सही, और इतना सही लगाऊंगा, मतलब जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं होगा कि एक्यूरेसी पूरा का पूरा सही हो जाएगा, 180 में 170 क्वेश्चन या 175 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर करके आ जाते हैं आप लोग, और यहीं पे फंस जाता है, यहीं पे सिलेक्शन फंस जाता। होता है क्या चाहिए, नेगेटिव में चला जाता है मार्क्स नेगेटिव में चला जाता है। तो देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे मत भागो कभी भी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे मत भागो कभी भी, ठीक ना, आ रहा है तो बनाओ, नहीं आ रहा है तो मत बनाओ, एकदम सिंपल यही तरीका है। जेई मेंस में अगर ऐसा करने लगे और जेई एडवांस में, तो मैं बताता हूँ 10 साल भी अगर दे दिया जाए कभी सिलेक्शन नहीं होगा, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे भागे तो। यहाँ पे साफ साफ बताया जाता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करेक्ट होते हैं, एक्यूरेसी लेवल पे जाओ, ठीक है, एक्यूरेसी लेवल पे जाओ, 100% एक्यूरेसी लेवल करो, होता नहीं 100%, पर कोशिश करो कि हो जाए 95% तक एक्यूरेसी भी अगर पहुँच गया ना, तो समझो कि दुनिया का कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। आगे भी पढ़ना है यार, नीट पीजी मस्ट है, पीजी नीट का कंपलसरी है, निकालना है मतलब निकालना है, वो नहीं निकलता तो नीट ये निकालने से कोई बनेगा नहीं, ठीक है, ये करना जरूरी है, रेसिडेंसी चाहिए अच्छा कुछ तो आपको जरूरी है, ठीक है। तो वहाँ पे भी वही 1200 1250 लगभग वही एग्ज़ाम होता है। तो देखो, मैं बताता हूँ आपको करना क्या चाहिए, आपको यही करना है कि पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, एक्यूरेसी लेवल करना, मतलब अगर फिजिक्स में 45 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ही बनाते हो तो 10 का 10 सही होना चाहिए, मिस्टेक्स एक भी नहीं होना है। 15 क्वेश्चन बनाते हो 15 का 15 सही होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कोई बच्चा 30 क्वेश्चन बनाता है, चलो 30 क्वेश्चन में उनका 15 सही हो रहा है, ठीक है, और 15 गलत बना दे रहा, तो 15 का तो मिल गया आपको 60 नंबर, ठीक है, 60 नंबर, अब प्लस 15 घटा दीजिए तो आ जाता है 45 के लगभग, और ये जो स्टूडेंट 15 का 15 सही बनाता है इसका अप्रोक्स 60 मार्क्स आ जाता है। तो एक्यूरेसी लेवल देखो, 15 नंबर पहले ही घट गया, समझ में आ रहा है ना, तो रैंक सोचो कितना आगे जाएगा। तो यही होता है, एक्यूरेसी पे भागो, बायोलॉजी में 90 का 90 मार्क नहीं आना, क्वेश्चंस को छोड़ना सीखो। एक बार क्वेश्चन छोड़ना सीख गए ना कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है, छोड़ने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो देखो क्या करो। अभी मैं बताता हूँ, बायोलॉजी में देखो ओरिजिनली आपका 80 क्वेश्चन अगर सही ढंग से पढ़े हो तो 80 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, सही ढंग से क्या एनसीईआरटी पढ़े हो, अच्छा से समझ कर बोल रहा हूँ मैं, विदाउट समझे पढ़ते हो तब तो भूल जाओ, रटने से तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेपर में अगर अभी दिखाऊंगा ना, कोशिश करता हूँ एक आध क्वेश्चन दिखा दूँ, तो ये देखो पेपर में एक आध क्वेश्चन बायोलॉजी का दिखा ही देता हूँ, वो रटने से नहीं बन पाएगा, कुछ भी कर लो रटने से नहीं, ये आप रटने से नहीं बना पाओगे, ठीक है। क्या टीएच मॉर्गन ने, ये तो चलो ठीक है कि याद भी कर लिए कि ग्रास हॉपर में 100 टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, लिंकेज में टीएच होता है, कोडोमिनेंस में एबीओ, मल्टीपल एलील्स, स्टार सिंथेसिस, तो स्टार सिंथेसिस कहाँ का है, एपिस्टेसिस, ठीक है,
मेरा नोट्स पढ़ लेना। बस जेनेटिक्स का बन गया है, सब चीज़ क्लिक क्लिक कर लिया हूँ मैं। एक लेक्चर अपलोड करना है ओरिजिनली, देखो क्वेश्चंस मुझे थोड़ा एक हाथ सॉल्व करवाना है उसमें जेनेटिक्स में, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया, नहीं तो वो भी आज ही कर देता। कैसा क्वेश्चंस करना है मुझे बताता हूँ मैं, कैसा क्वेश्चंस करना है। यहाँ देखो ये क्वेश्चन, तो ये कहाँ मिलेगा, ये तो खुद से बनाया हुआ है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो, कोशिश करो सॉल्व करने का। अ वुमेन हैज़ अ एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑफ ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोजोम्स। क्या चीज़ है, एक्स लिंक्ड है, ठीक है, तो एक्स लिंक्ड हो गया। दिस क्रोमोजोम्स कैन बी इनहेरिटेड बाई, तो ये इनहेरिटेड बाई किससे होगा। तो देखो भैया हमारा भूल जाओ, ऑप्शन क्या चाहिए वो तो भूलना पड़ेगा, वो उसमें कोई चारा नहीं है कि उसको इसको देख करके बनाओगे तो भूल जाओ। पहले इसको देखो, अब इसको देखने के बाद देखो यहाँ से जो फीमेल्स आता है, फीमेल से एक्स क्रोमोजोम्स और वाई क्रोमोजोम्स ये बनता है मेल, और एक एक्स क्रोमोजोम्स फीमेल से आया, एक्स एक्स बनाएगा, ये बनेगा फीमेल, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा है, एक्स वाई से आ रहा है, मेल से। तो एक वाई क्रोमोजोम्स इधर गया और ये एक्स क्रोमोजोम्स इधर गया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ से आप लोगों का फीमेल का एक्स क्रोमोजोम्स कहाँ कहाँ पे, एक्स लिंक्ड कंडीशन कहाँ कहाँ इनहेरिटेड हो रहा। तो ओनली सन पे अगर मारते हो कि सिर्फ और सिर्फ सन, तो गलत हो जाएगा, बोथ सन एंड डॉटर्स होगा, ठीक है, बोथ सन एंड डॉटर्स, समझ में आ रहा है ना, दोनों में जा रहा। अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन खुद से बनाता हूँ अभी, मान लो जैसे कि फीमेल, फीमेल लिख देगा कि फीमेल कैरियर फॉर हेमोफीलिया, ठीक है, हेमोफीलिया, हेमोफीलिया के लिए फीमेल कैरियर है, बनाओ इसको कॉपी में बनाओ। अब ये सब दूंगा तो कुछ एक आध आपका हो जाए, मान लो ये एग्जाम में उठ के आ जाएगा, क्योंकि अभी 2018 का पेपर ये है, तो वहीं से पेपर डिराइव होगा। आप लोगों को मैं 20 तारीख से पहले बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ, कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़ लेना, आएगा यहीं पे उठ के, मतलब वहाँ से डिराइव होकर के आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लो, वो भी बता रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ बना करके हेमोफीलिया वाला, पर उससे पहले ये क्वेश्चन देख लो। तो ये देखो, ये दे दिया इज अ सीक्वेंस फ्रॉम, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ये प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ मॉलिक्यूलर में ए जी जी टी ए टी सी जी सी ए टी इज अ सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन, व्हाट विल बी द कोरस्पोंडिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड आरएनए एमआरएनए। तो इसको तो पहले देखो, एडेनाइन का क्या चीज होता है, एडेनाइन का होता है थाइमिन, पहले लिखना सीखो। प्यूरिन और पायरिमिडिन्स, ठीक है, तो प्यूरिन्स होता है हमारा एडेनाइन और गोनानाइन, पायरिमिडिन्स होता है यूरासिल, थाइमिन और साइटोसिन। जो डीएनए में होता है वो थाइमिन एंड साइटोसिन, जैसे हम लोग एमआरएनए में आते हैं तो वहाँ पे आरएनए में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ थाइमिन यूरासिल आ जाता है, ठीक है, मतलब टी के जगह यूरासिल लेते हैं, ठीक है, थाइमिन के जगह। तो पहले तो हम लोग समझो कि ये कन्वर्ट किया गया डीएनए का ही में, तो एडेनाइन के जगह थाइमिन, गोनानाइन के जगह साइटोसिन, साइटोसिन फिर क्या चीज़, एडेनाइन आएगा थाइमिन के जगह, एडेनाइन के जगह थाइमिन, थाइमिन के जगह एडेनाइन, साइटोसिन के जगह जी, गोनानाइन के जगह फिर सी के जगह फिर जी, फिर एडेनाइन के जगह फिर थाइमिन, और थाइमिन के जगह फिर एडेनाइन, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोगों से बोला जा रहा है एमआरएनए में, ठीक है, किसमें बोला जा रहा है, एमआरएनए में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एमआरएनए, हम लोगों का थायमिन तो होगा नहीं, थायमिन तो एब्सेंट होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है, तो क्या होगा, यू सी सी ए यू ए जी सी, ठीक है, उसी को मैं पुट कर रहा हूँ, जी सी जी यू ए, ठीक है, ये आप लोग का आ गया, ठीक है, एमआरएनए के लिए। और ये ऑप्शन में दिया हुआ है सी, और सी लगा कर आइएगा तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्या होगा, ये हो जाएगा रॉन्ग, क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सॉरी ये हो जाएगा रॉन्ग। अब बताइए कैसे रॉन्ग हो गया, एमआरएनए आरएनए में हम लोग जाकर के कर रहे हैं जहाँ पे यूरासिल का प्रेजेंस है, ठीक है, यूरासिल का प्रेजेंस है, और हम लोग सही तरीका से सब चीज़ सही तरीका से, कि कन्वर्जन हमेशा आप लोग प्रीवियस का कभी उठा के देखिए, कन्वर्जन ऐसे ही होगा, गोनानाइन की जगह साइटोसिन। पर यहाँ पे मेन बात क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है व्हाट विल बी द कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए, पहले से ही ये ट्रांसक्राइब्ड है, ठीक है ना,
पहले से ये ट्रांसक्रिप्शन का दे रखा है, ठीक है। अब उसको सिर्फ और सिर्फ इसको mRNA में लिखना है, ना कि पूरा का पूरा हम लोगों को अल्टर करके लिखना है। इसी को सिर्फ हमको mRNA में लिखना, अल्टर करना नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करेंगे, थायमिन के जगह यूरासिल प्रेजेंट कर देंगे, जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि RNA में आपका यूरासिल पाया जाता है थायमिन के जगह। तो एडेनाइन का एडेनाइन, गोनानाइन गोनानाइन, थायमिन के जगह यूरासिल, यहाँ पे यूरासिल और यहाँ पे यूरासिल, तो मिला लो एडेनाइन गोनानाइन गोनानाइन यूरासिल, एडेनाइन यूरासिल साइटोसिन गोनानाइन साइटोसिन एडेनाइन यूरासिल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीका से कॉन्सेप्ट, तो दो क्वेश्चन एक डिराइव होंगे, एक तो ये वाला होगा और एक ये वाला। तो ये वाला इस तरह से अभी पूछ लिया, मे बी नीट 2019 में ये पूछ लें, तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा कि ट्रांसलेशन में हमारा ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, तो ट्रांसक्रिप्शन में हमें बता दो क्या होगा, कोडिंग ट्रांसक्रिप्शन में बता दो क्या होगा। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, फ्रॉम DNA इट फॉर्म्स mRNA, और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, mRNA से हमारा बनता है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन बनता है ना जी। और आप लोग इसको पढ़ते होगे क्या चीज़ पढ़ते होगे, इसको सेंट्रल डोगमा बोलते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा, ठीक है। किसने दिया था अब वो देख लेना, किसने दिया था, ठीक है, कमेंट करके बताओ किसने दिया था ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि मे बी ये पूछ दे सेंट्रल डोगमा किसने दिया था या क्या होता। अब यहाँ से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिस का भी क्वेश्चन उठता है, क्या होता है कि HIV में आपका पूरा का पूरा ये कहानी ही बदल जाता है, पूरा उल्टा हो जाता है, RNA से DNA बनाने लगता है, फिर फर्दर RNA बनाएगा, फिर RNA से प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा HIV में, जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिस। तो ये नहीं बनेगा, रट के तो बनेगा ही नहीं, भूल जाओ, कभी नहीं बनेगा, ठीक है, वो आपको भी 100% मालूम है। और ये तो इस तरीके के ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, 2017 का पेपर में मैं आपको दिखा दूंगा, आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं 2017 का पेपर में भी। एक आध क्वेश्चन अब आए हैं तो 10-15 मिनट में कर ही लेते हैं, और वो भी मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना, दोनों काम हो जाएगा। देखो ये देखो यहाँ पे द जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ आर IA IB and IA I, ठीक है, ये जीनोटाइप दे दिया और पूछ दिया क्या चीज, अमोंग द ब्लड देयर टाइप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मार्क कर लियो, हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स, ठीक है। पेपर को हमने हटा दिया, ये दिया हमारा क्या चीज, IA दे दिया, IB दे दिया हस्बैंड का, और वाइफ का दे दिया IA और I, ठीक है, IA और I। तो पहले तो आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि IA अगर मिलता है तो ये बनाएगा ब्लड ग्रुप A, IB IA मिलता है तो ब्लड ग्रुप बनाएगा AB, अगर IB और I मिलता है IB और I मिलता है ब्लड ग्रुप बनाएगा B, अगर IA और I मिलता है तो ब्लड ग्रुप बनाएगा A, ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और ये चीज़ आपको दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, देख लीजिएगा बुक खोल के, कोडोमिनेंस है, कोडोमिनेंस में F1 रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, ठीक है, F1 रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, कोडोमिनेंस बोलते हैं, वहाँ देखिएगा। तो जो ये आई जीन है, I मिल के दो गो ओ बनाता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ, तो ये जो आई है ये सप्रेस कर देता है, मतलब ये सप्रेस हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ IA और IB, और क्योंकि ये डोमिनेंट करेक्टर है, ठीक है, IA और IB जो होता है डोमिनेंट ब्लड करेक्टर हो जाता है, इसलिए आई को सप्रेस कर देता है, ठीक है, ये हो गया टी, ये हो गया टी, तो ये टॉल है और ये ड्रॉफ है, तो ओरिजिनली हमारा क्या आएगा, हमारा टोटली मिला के ये टॉल आएगा, आएगा ना जी, और टोटल दो स्मॉल टी होगा तो ये ड्रॉफ आएगा, ठीक है। तो ये टॉल क्यों आ गया भैया, एक स्मॉल टी भी है एक बड़ा टी है, ड्रॉफ क्यों नहीं, स्मॉल टी भी का प्रेजेंस 50% है, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि ये जो टी है ये उसको सप्रेस कर देता है, ठीक है, तो वो छोड़ो बात की बात है। तो ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। अब यहाँ से क्या करना है, इसे हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप, 1, 2, 3 और 1, 4 ये हो गया जीनोटाइप। तो टोटल 4 डिफरेंट ऑफ जीनोटाइप्स मिल रहे हैं, 4 डिफरेंट ऑफ जीनोटाइप्स। अब ब्लड ग्रुप क्या मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 4 नहीं है, 3 है, एक तो ब्लड ग्रुप ए, दूसरा ब्लड ग्रुप AB और तीसरा ब्लड ग्रुप B, तो 3 हो गया फिनोटाइप्स,
ठीक है। तो ये क्रॉसिंग करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए फोर जीनोटाइप्स एंड थ्री फिनोटाइप्स। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब ऐसा नहीं कि अभी पेपर दिखाने लगूंगा तो 2016 में भी खोल के देख लेना, प्योर ब्रीडिंग से कुछ करके, प्योर लाइन ब्रीडिंग से कुछ करके पूछा गया, क्रॉसिंग ही है। तो इस तरीका से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए पहले बता दे रहा हूँ, रटना मत, समझना, कोशिश करो कि समझो, ठीक है। नोट्स मैं देता हूँ, उसे पढ़ लिया करो, ठीक है। अब आते हैं, देखो 80 क्वेश्चन है, तो 80 क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए समझ के पढ़ना है, ठीक है, अच्छा से समझ के, और हो जाएगा करेक्ट। मेहनत करोगे, पूरा जान लगा दो बायोलॉजी में, अभी 20 दिन है, 20 दिन बहुत अच्छा समय है, इतना रिवीजन करो, इतना रिवीजन करो कि पूरा पिक पे पहुंच जाए बायोलॉजी, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूँ उसको इतना बार पढ़ लो, इतना बार पढ़ लो कि एक क्वेश्चन आपको मतलब बस जाए, ठीक ना, एकदम शरीर के अंदर जाके वो आत्मा में समा जाना चाहिए, ठीक है, सोल के साथ मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये करना मस्ट है, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोग को अब जो बोलना है कि मतलब आप लोगों को मिस्टेक मिनिमाइज कैसे करना है, मिस्टेक को कम कैसे करना, एक्यूरेसी बढ़ाना है, मिस्टेक को कम कैसे करना है। तो देखो सिंपल सा, 5 मिनट में मैं क्लोज कर दूंगा, सिंपल सा बताता हूँ। अभी आप क्या करो कि 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के, ऐसे लगा रहे हो ऐसे। तो इसमें क्या करो, 45 क्वेश्चन में 45 का 45 नहीं करना, फिजिक्स में 45 में से मान लो 20 बन रहा है, 15 बन रहा है या 25 बन रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो 2 मिनट मैक्सिमम और 1 मिनट मिनिमम, ठीक है। पढ़ने में नहीं, पूरा उसमें दिमाग लगा के, या तो सॉल्व हो गया 1 मिनट में, या तो वो 1 मिनट में मालूम है कि मुझसे ये नहीं बनेगा, उसको छोड़ के आगे बढ़ दें, ठीक है। या कोशिश करो 30 सेकेंड में पकड़ लो कि 30 सेकेंड में कि भैया ये क्वेश्चन मुझसे बनने वाला है, नहीं कुछ भी कर लूँ। तो इससे अच्छा है कि कुछ नहीं मिलेगा इस पे, उससे अच्छा है कि चलो आगे बढ़ जाते हैं, शायद वो क्वेश्चन बन जाए तो उसमें कुछ मिल जाएगा। पर अगर यहाँ पे 30 सेकेंड और इन्वेस्ट कर दे तो, या 2 मिनट लगा दे तो, या 1 मिनट इन्वेस्ट कर दे तो ये आप लोग मालूम है क्या करते हो, ये बहुत खराब काम हो जाता है। ये क्या होता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन जो 4 मार्क्स देने वाला है, जो बनने वाला है, वहाँ का मार्क्स आप लोग यहाँ पे टाइम दे करके छीन छीन लेते हो, ठीक है। इससे समझ में आ रहा है ना, अरे यार टाइम रहेगा तब तो इसे बनाओगे, टाइम ही नहीं है तो कहाँ से बनाओगे, देखते रह जाओगे, घर आने के बाद मालूम चलेगा कि यार ये भी क्वेश्चन था, ठीक है, इसको भी उतना ही टाइम चाहिए बनाने के लिए, 1 मिनट तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो ये मालूम है नहीं बन रहा है, 30 सेकंड पढ़ो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि छोड़ के आओगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनाओ, 4 मार्क्स मिलेगा तो कम से कम कुछ नहीं से कुछ मिल जाए, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, 20 क्वेश्चन बनाओ, 15 क्वेश्चन बनाओ या 25 क्वेश्चन बनाओ, जितना भी बन रहा बनाओ, और जो नहीं बन रहा उसको इतना में कोशिश करो 30 सेकंड में पढ़ के, नहीं बन रहा तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। उसके बाद जो मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको कॉपी में लिखो, ठीक है, उसको अपने नोटबुक में लिखो, कॉपी में लिखो, जहाँ लिखते हो वहाँ लिखो, ठीक है। और उस मिस्टेक्स को रिवीजन करो, उस मिस्टेक्स पे क्या फॉर्मूला लग रहा है, सॉल्यूशन देखो उसका, क्या फॉर्मूला लग रहा है, क्या फॉर्मूला नहीं लग रहा, कहाँ पर फंस रहे थे, कहाँ पर नहीं फंस रहे थे, ठीक है, वो पूरा पता करो एग्जाम दे देने के बाद, मतलब ये 45-45-90 कर लेने के बाद जहाँ जहाँ फंस रहे हो, और उस मिस्टेक्स को लिख करके रिवाइज करके चल जाओ। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना फाइनल एग्जाम में आपका यहीं से फंस जाएगा, इस मिस्टेक्स को जो आप लोग लिख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, वहाँ से फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा, क्योंकि भैया जो आपने सही बना लिया वो तो आपको आता है 100%, पर जो मिस्टेक्स आपको नहीं आता था, जो मिस्टेक्स कर रहे थे उसको भी आप लोग पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए और अच्छा से फोकस दे दिए उस पर नोटबुक में लिख करके और रिवाइज करके, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं। होता क्या, या तो हम लोग पढ़ के जाते हैं तो पढ़ा हुआ आ जाता तो सही हो जाता, या तो हम लोग नहीं पढ़ के जाते हैं और वो आता है तो वो हमसे नहीं बनता, ये दो चीज़ होता। इसके अलावा कोई भी चीज़ है तो बताओ, दो चीज़ होता है, या तो आपको पढ़ के गए हैं आता है पूरा तो बनेगा ही बनेगा, या पढ़ के आप लोग नहीं गए हैं और वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, कुछ भी दिमाग लगा लो, रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है, बनेगा ही नहीं, ठीक ना, नहीं बनेगा। अगर पढ़ के ही नहीं गए तो नहीं बनेगा, अगर सारा कुछ पढ़ लिए, मिस्टेक जो कहाँ गलती कर रहे हो उसे देख लिए, तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा।
तो मिस्टेक्स लिखना है नोटबुक में और उसको रिवाइज करना है जितना रिवाइज कर सकते हो और रेगुलर बेसिस पे रोज। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया ऐसे, यहाँ से पुली गिर रहा, इस पे आऊँगा मैं, कैरियर हेमोफिलिया पे आऊँगा, पहले ये देख लो, ऐसे पुली गिर रहा तो पुली में मान लो एक्सेलरेशन ए पूछ दिया, यहाँ पे कुछ थीटा दे दिया, ठीक है, या यहाँ पे दे दिया फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस इज म्यू, और म्यू का वैल्यू समथिंग, ठीक है, दे दिया ऐसा, और बोल देगा कि किस एक्सेलरेशन से गिरेगा ये नीचे, कि या बोल देगा कि इसका वेलोसिटी बता दो कि ये आराम से स्लाइड कर जाए, ठीक है, फ्रिक्शन के तहत आराम से स्लाइड कर जाए, या एक्सेलरेशन दे देगा और बोलेगा कि इसका फ्रिक्शन बता दो कि ये रेस्ट पे कंडीशन में रहे, ठीक है, स्लाइड ना कर पाए, रेस्ट कंडीशन पे रहे, या कुछ भी पूछ सकता है उसका, तो पूछने का जो मन सो पूछ सकता है। तो उस तरीका से आप लोग कॉन्सेप्ट सीखो और कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। केमिस्ट्री में भी वही करना है, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री देखना, थोड़ा इजी पार्ट रहेगा, ठीक ना, केमिस्ट्री इजी पार्ट रहेगा नीट 2019 में, ऐसा मुझे लगता है। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो और क्वेश्चन अच्छे अच्छे लगा लो, हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी का तो मैं करवा ही रहा हूँ सारा कुछ। अब आते हैं हेमोफीलिया और कैरियर पे, ठीक है। तो मान लो कि जो फीमेल का है वो कैरियर हेमोफीलिया और मैन को हेमोफीलिया है, तो इसका प्रोजेनी को क्या होगा। तो देखो भैया, फीमेल कैरियर है तो एक्स पे एक्स डैश बैठा दिए कैरियर के लिए एक जीन, और मेल हेमोफीलिया है तो वाई डैश बैठा दिए, इस पे क्रॉस किए तो एक्स 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 डैश एक्स, और यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, क्लियर है। एक्स वाई पे कभी मत बैठाना, वाई डैश पे बैठा, एक्स डैश पे बैठाना, तो एक एक्स डैश ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आपकी जो आएगी फीमेल, जो भी फीमेल डॉटर या जो भी, तो डॉटर आपका क्या चीज होगा, डॉटर सफरिंग हो जाएगा, मतलब ये एबनॉर्मल कहलाएगा, ठीक है, और ये जो सन है वो भी एबनॉर्मल हो जाएगा। सन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्स क्रोमोजोम्स, याद रखना, एक्स क्रोमोजोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सन, और ये जो है ये आपका नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल। तो परसेंटेज पूछेगा, तो परसेंटेज टोटल प्रोजेनी में पूछता है, तो 50% ऑफ देयर प्रोजेनी विल बी नॉर्मल एंड 50% विल बी अफेक्टेड, ठीक है। अगर परसेंटेज पूछता है बॉयज़ का परसेंटेज पूछता है कितना अफेक्टेड है इन बॉयज़, तो आप लोग 25% मैक्सिमम स्टूडेंट लगा कर आएंगे, जो कि गलत है, 50% होगा बॉयज़ में, क्योंकि बॉयज़ पूछ रहा है तो दो बॉयज़ है प्रोजेनी में, सिर्फ दो बॉयज़ है, तो दो बॉयज़ में एक को है और एक को नहीं है, तो 50% होगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना, समझ में आ रहा है, 25% लगा करके मत आना, पूरा ओवरऑल गिन करके क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को पढ़ना, तो यही तरीका, और समझ के पढ़ने के लिए, क्योंकि बायोलॉजी का सी क्वेश्चन सही करना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, या 320 मार्क्स लाना, तभी तो, अगर केमिस्ट्री में 120 और 120 फिजिक्स में आता, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, अगर फिजिक्स सही ढंग से पढ़े हो, फिजिक्स इन प्लेग्राउंड से, तो कोई नहीं रोकेगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो 2-2, 4-2, 6 और 3-2, 5, 560 मार्क्स आ जाएगा, अगर मिनिमम का बात कर रहा हूँ, ये चीज़ 30-30 कब हो रहा है, तब बायोलॉजी में अच्छा मार्क्स आ रहा है, तो ठीक है। तो यहीं से होगा, बिना मिस्टेक्स को एनालाइज किए हुए आप लोग सोचिएगा डायरेक्ट एग्जाम में जा करके, देखो यही होगा ना, अगर मिस्टेक एनालाइज नहीं कीजिएगा तो जो गलती यहाँ पे की है वही गलती वहाँ पे कीजिएगा, इस चीज़ को लिख लीजिएगा, यही होता है ये, मतलब एकदम प्रैक्टिकल बात है, कोई भी मैं ऐसे जबरदस्ती का बात नहीं कर देता हूँ, ये करो वो करो, ठीक है, सारा कुछ प्रैक्टिकल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।